इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक युवक क्षेत्र के एक टावर पर चढ़ गया और जमकर हंगामा मचाने लगा। इस दौरान जब पूरे मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाइश देकर नीचे उतारा। पूरे ही मामले में आने वाले दिनों में कार्यवाही करने की बात की जा रही है। पूरा मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आजाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाला एक युवक पारिवारिक विवाद के बाद क्षेत्र में ही मौजूद एक मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। इस दौरान जब वह टावर पर चढ़ रहा था तो कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह टावर के काफी ऊपर जाकर वहां से चिल्लाने लगा और टावर से कूद जाने की धमकी दी तो पूरे मामले की जानकारी वहीं पर मौजूद कुछ लोगों ने आजाद नगर पुलिस को दी। वहीं आजाद नगर पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और पूरे ही मामले में युवक को समझाइश दी कि उसकी जो भी शिकायत है उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद युवक टावर से नीचे उतरा, लेकिन इस दौरान लगातार युवक टावर से कूद जाने की धमकी भी दे रहा था। फिलहाल पूरे ही मामले में युवक को नीचे उतारने को लेकर वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और उसे समझाइश देकर नीचे उतारा गया। एक सोनू नामक व्यक्ति है, मुसागढ़ी में रहता है। दोनों पति पत्नी का विवाद है तो पत्नी और दोनों का पारिवारिक विवाद चल रहा है, उसको लेके वो जियो का टावर है उसको चढ़ गया था। करीब आधे घंटे के बाद उसको नीचे उतार लिया गया। अभी वो बात कर रहा है पत्नी और पति पत्नी का, दोनों का कुछ विवाद है, उसको उससे परेशान है, उसको लेके वो ऊपर टावर पे चढ़ गया। सर क्या नाम है, क्या करता है युवक? सोनू नामक व्यक्ति है, मुसागढ़ी में रहता है, उसका कुछ खुद का प्राइवेट फैक्ट्री है। सर ऊपर चढ़ने का फोन पे भी बात करता हूँ दिखाई दे रहा था। हाँ वो उसके भाई से उसकी पत्नी से बात कर रहा था, उसकी बच्ची को बुलवा रहा है, बच्ची को बुला के उसके सामने ले आया तो वो नीचे उतर गया। क्या बोलते हैं बच्चे को लेकर भी कुछ विवाद है? हाँ दोनों पति पत्नी का कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा है, दोनों को काउंसलिंग करके समझाई दी जाएगी उनको।